लखीमपुर खेरी मामले में राजस्थान में सियासत गर्म हो गई। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखला अजय मिश्रा के इस्तीफा के मुतालबे पर कांग्रेस की खामोशी। गहलोत दोतासरा समेत कई वुजरा और कायदीन शामिल होंगे। आज रियासत भर में बीजेपी युवा मोर्चा एहतजाज वजीर तालीम को बरतरफ करने का मुतालबा और सीईबी की तफ्तीश रीट फार्म लीक जेपी में बीजेपी हेडक्वार्टर से सिविल लाइन तक रैली। एडी आज दोबारा वजीर आला के भाई से पूछ करेंगे। अग्रेशन गहलोत को 2 हफ्तों में तीसरी बार खाद स्कैंडल में तलब किया गया। एडी के दिल्ली दफ्तर में पेश होंगे। जीएसएम महवा फूलों से बनी शराब फरोख्त करेगा। फूलों की खरीदारी कबायली पट्टी से शुरू होगी। शराब का गैर कानूनी कारोबार भी बंद होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगी। मेवाती गिरवा जयपुर में गाड़ियां चोरी करते हुए पकड़ा गया। मास्टर गाड़ियां चाहियां इंजन और चेसिस नंबरों से ग्राइंडर से तब्दील करके मेवात में फरोख्त की जाती है। 60 से ज्यादा गाड़ियां चोरी हो चुकी है। एमपी क्यूरी ने रीट पेपर लीक में हुकूमत को निशाना बनाया। बत्ती लाल सिर्फ एक प्यादा है। मास्टरमाइंड वो है जिसने इम्तिहान मुंजम किया। एसओजी इन पर कार्रवाई नहीं करेगा। हुकूमत ने सीबीआई से तहकीकात का मुतालबा किया। महराज उर्फ बाबा खान कत्ल केस, पुलिस चारों शरपसंदों को पहुंच गई जो पैदल की गिरफ्तार हुए। जय वकवा को दोबारा बनाया एतराफ के बहाने छुरी से बुलाया गया। अब राजस्थान में खाद का बहरान, डीएपी के लिए मुकाबला, कंपनियों ने कीमत बढ़ा दी। वजीर ज़राअत ने कहा कि मरकजी हुकूमत से कम सप्लाई होगी। ड्रग डिपार्टमेंट में झूठ की ज्यादा मिकदार। राजस्थान यूपी कनेक्शन दोबारा से बेनकाब। 16 मई को झुंझुनू से यूपी ले जाने वाले 100 यूनिट गैर कानूनी खून जयपुर में पकड़ा गया। खरीफ सीजन के दौरान रियासत में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की फसलों की पैदावारी का तगमा लगाया गया है। ये तमाम रकम अगले 3 माह में दही मांग की सूरत में मार्केट में आने का इम्कान है। ताजरों की नजरें इस रकम पर है।